जाते हैं। इस यात्रा में भगवान के चरण रस में रख के उन्हें कंधे पे ले जाता है। मगर इस पद यात्रा में आधुनिकीकरण होने के कारण पद यात्रा में जो पैदल लोग जाते हैं उनके मन को ठेस पहुंची है। ज्ञानेश्वरांची पालखी ऐवत बाबांनी सुरू केली आहे आणि तेव्हापासून ती बैलगाडी चुकून पंढरपुरापर्यंत सर्व भाविक आनंदाने येतात आणि आता ही आधुनिकीकरण जी काय चालून त्यांनी जी मशीन लावले तर ही काही योग्य नाही, याच्यामुळे सर्व भाविकांच्या भावना दुखवल्या जातात। तर याच्यावर काहीतरी आपण मात करायला आणि पूर्वीप्रमाणे भावना जर दुखवता ही पालखी भाविकांच्या ताब्यात देऊन ती पंढरपुराला बैल जोडीनीच न्यावी। परंपरेमध्ये टेक्नॉलॉजी येते याच्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? आणि सध्या बैल न जोडता ही हा रथ जाऊ शकतो, परंतु लोकांच्या भावना दुखू नये म्हणून आपण ते दोन दोन जोडलेले आहे। तुम्ही 3.5 टन वगैरे म्हणजे त्यावर बसणारी माणसं 5 किलो वगैरे, आता हे वजन तसं टोटली 1900 kg केलेलं आहे। सगळी बांधणी जी फायबर बॉडी आहे। किसानों का कहना है, पहले जब हम बैल रथ को खींचने के लिए लगाते थे तो हम अपने आप को बहुत भाग्यवान समझते थे, क्योंकि हमें लगता था भगवान के रथ के लिए हमारी मदद हो रही है। कुछ लोगों का तो कहना है, पहले हम रथ के पास ही रहते थे और चलते, क्योंकि हमें लगता रथ को हाथ लगाना पड़ेगा। मगर अब तो रथ एक गांव में हो और हम दूसरे गांव में, ऐसा भी चलता है। तसं माऊलीच्या पादुका वावल्याबरोबर सर्व भाविकांचा सीन नाहीसा होतो आणि ती आनंदाने त्याच्या पुढे नाचत चालतात। मग आता जे म्हणजे आधुनिकीकरण घुसतंय त्या रथामध्ये, ते आपल्याला मान्य नाहीये? हो, ते मान्य आपल्याला नाही, ते करू नाही शकत नाही। हे पदयात्रा मैं बचपन से देखते आ रहे हूँ। इस पदयात्रा के साथ जो भी लोग होते वो बहुत खुश होते और वो पूरे इच्छा शक्ति के साथ और श्रद्धा के साथ एक महीने का पूरा सफर बहुत ही खुशी से पार कर जाते हैं। मुझे लगता है ये परंपरा जैसे आई है वैसे ही रहे, इसमें आधुनिकीकरण ना आए। मैं रोहिणी पवार, महाराष्ट्र राज्य के वल्ले गाँव से, इंडिया अनहर्ड के लिए।